झारखंड में चुनावी रणभेरी बजने के बाद अब इंतजार है कि कब राजनीतिक दलों की ओर से उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की जाएगी। और देखिए, आज एक अहम प्रेस वार्ता होनी है बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में। बीजेपी और आजसू की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और माना यह जा रहा है कि उम्मीदवारों की घोषणा जो है वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से की जाएगी। भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये जो कार्यक्रम है वो रखा गया है। इसमें झारखंड विधानसभा चुनाव के भाजपा के सह प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा, इसके अलावा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी समेत प्रदेश बीजेपी के बड़े नेता मौजूद रहेंगे। इसके अलावा अगर आप आजसू को देखें तो आजसू के जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं सुदेश महतो, देवशरण भगत, ये तमाम लोगों की मौजूदगी रहेगी। इसके अलावा महासचिव जो हैं रामचंद्र सहिस, वो भी रहेंगे। तो एक बहुत अहम कह सकते हैं आज निगाहें टिकी रहेंगी बीजेपी और आजसू की होने वाली साझा प्रेस वार्ता पर। और इस प्रेस वार्ता में क्या उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगती है, क्या उम्मीदवारों के नामों की घोषणा होती है, इसका भी इंतजार होगा। सहयोगी नीरज अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनके पास चलेंगे। नीरज, आज एक अहम प्रेस वार्ता होनी है आजसू और भारतीय जनता पार्टी की। नीरज, क्या हम ये माने कि उम्मीदवारों की घोषणा इस प्रेस वार्ता के माध्यम से होगी? बिल्कुल, देखिए, उम्मीदवारों की घोषणा तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर घोषणा हो सकती है कि आजसू और बीजेपी में कितने सीटों की शेयरिंग हुई है, क्योंकि एनडीए गठबंधन का हिस्सा है आजसू। और ऐसे में आज साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाना है। आजसू के जो सुप्रीमो हैं सुदेश कुमार महतो, वो उस दौरान मौजूद रहेंगे। उनके प्रमुख प्रवक्ता हैं देवशरण भगत, वो उस समय मौजूद रहेंगे। साथ ही अन्य जो आजसू के नेता है वो भी वहां पर मौजूद रहेंगे। साथ ही अगर बात करें बीजेपी के, तो बीजेपी के जो असम से मुख्यमंत्री है और झारखंड के चुनाव सह प्रभारी है हेमंता बिस्व शर्मा, वो रहेंगे मौजूद। उनके अलावा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और जो लीडर ऑफ ओपोजिशन है नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी, वो मौजूद रहेंगे। उनके साथ साथ कई जो बीजेपी के दिग्गज नेता हैं वो इस दौरान मौजूद रहेंगे, क्योंकि 2019 में दोनों पार्टियों ने अलग चुनाव लड़ा था और इसका खामियाजा दोनों पार्टियों को उठाना पड़ा था, दोनों को सत्ता गंवानी पड़ी थी। इसलिए इस बार दोनों पार्टियों ने मिल बैठ कर ये निर्णय लिया है कि इस बार साझा तरीके से चुनाव लड़ेंगे और अधिक से अधिक सीटों को जीतने की कोशिश करेंगे। और सीटों का फॉर्मूला भी लगभग तय हो गया है नवीन। हमारे सूत्रों के अनुसार अगर माने तो 11 सीट पर आजसू सीट जो है चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगी, और बीजेपी की जो सीट है वो आज घोषणा हो जाएगी बीजेपी कितने सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है, क्योंकि जेडीयू और एलजेपी भी गठबंधन में है, ऐसे में उन्हें भी कुछ सीट दिया जाएगा, तो आज घोषणा हो जाएगी। लेकिन सूत्रों के हवाले से अगर माने तो आजसू को 11 सीटें मिली हैं और कुछ देर में जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगा और ये भी घोषणा हो जाएगी कि कितने सीटों पर आजसू चुनाव लड़ेगी और बीजेपी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी। चलिए, तो एक अहम प्रेस वार्ता होनी है और सीट शेयरिंग को लेकर जो स्थिति है वो इस प्रेस वार्ता के माध्यम से बीजेपी और आजसू की ओर से स्पष्ट की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी के लिए।